हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर आज नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे, तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है कि रैबिट्स की ब्रीड के बारे में, कि कौन कौन सी ब्रीड होती है, कौन से मौसम में रखी जाती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि जो अपना पहला रैबिट ब्रीड है वो है कि चिंचला, कि ये कौन सी मौसम में पाई जाती है और इसका क्या फायदा होता है घर में रखने का, ये कैसी दिखती है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये हल्के भूरे रंग की होती है और ये वैसे डार्क कलर में भी आती है, काफी सारे अलग अलग कलर है। तो जैसे कि ये देख रहे हो, ये वैसे तो होते काफी सारे कलर्स के अंदर है, बट आप इसके अंदर देख रहे हो, इसका ये स्पेसिफिक कलर यही होता है जिसके अंदर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ये इस कलर में आता है और इसका जो जो साइज जो आता है इसका 2 से 2.5 किलो के समथिंग में ही इसका साइज आता है। रखने के लिए बड़ा क्यूट पेट है ये। और जो ये दूसरी नजर आप देख रहे हो, ये कैलिफोर्निया, ये जो इसकी पहचान होती है वो होती है कि इसके जो पंजे होंगे और जो इसकी नोज होगी और जो इसके कान होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। ये ब्लैक कलर आपको जब दिखता है, जब ये सर्दियों के अंदर जितनी ज्यादा ठंड होगी तो उसके अंदर उतना ही ज्यादा इसका जो आप देखेंगे डार्कनेस आएगी, और जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना इसका कलर डाउन होता चला जाएगा। ये वैसे लोगों के अंदर काफी सारा पॉपुलर है ये वाला पेट, आप इसको देख रहे होंगे, क्योंकि ये एक तो दिखने में थोड़ा क्यूट होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट की जो शेड होती है ना, ये लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसके अंदर एक चीज और है कि आप ये देखेंगे कई कई रैबिट की जैसे ब्लैक नहीं होते तो उनकी आईज ब्लैक हो जाती है, तो वो भी कैलिफोर्निया है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मदर के या फादर के जीन्स उसके अंदर जाते हैं, आप ये देख रहे होगे जिसकी ब्लैक आईज भी है, आप इसके अंदर ये देख रहे होगे, पर ये प्योर व्हाइट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप अगर इसको देखें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सर्दियों के अंदर इसके भी सेम ही ऐसा प्रोसीजर हो जाएगा, जो इसकी आंखों का जो कलर है ये डार्कनेस इसकी बढ़ जाती है। और जो आप ये तीसरा देख रहे हैं वो है डच, तो डच जो है कि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्योर ब्लैक होगा प्योर व्हाइट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप कहीं भी देखेंगे तो एक व्हाइट कलर का स्पॉट मिलेगा। कैलिफोर्निया इसके अंदर यही फर्क है कि इसका सर्दियों के अंदर इसका कलर जो बाड़ों का है वो इसके पूरे शरीर पर पड़ता है, सेम वैसे ही प्रोसीजर, बट उसका क्या रहेगा कि कैलिफोर्निया के अंदर उसके जो कान और नाक है उसी के ज्यादा डार्कनेस आती है, बट इसके अंदर ये पूरा ही रहेगा, इसके अंदर हाफ व्हाइट रहता है हाफ ब्लैक रहता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इसकी चीज के लिए भ्रमित हो जाते हैं और काफी सारे लोग इस चीज के लिए उसको ठग भी लेते हैं, क्योंकि आदमियों को पता नहीं होता है कि इसकी कलर का कैसे पैसे भी कम कर पता लगा सकते हैं। और जो अब ये तीसरा देख रही है अंगोरा, अंगोरा वैसे तो काफी सारे कलर में होता है, बट जो इसका जो स्पेसिफिक कलर होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है, अगर आप अपने आसपास में कहीं देखते होगे, क्योंकि ये आता तो 2-3 कलर में ही है, बट जो इसके जो ज्यादा चलने वाले कलर है वो है ग्रे, ब्लैक और व्हाइट। ग्रे शेड भी आपको ब्लैक कलर की ही तरह दिखेगी, बट वो आपको इसका जो फर्क है वो भी आपको सर्दियों के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं इसके जो वो सर्दियों के अंदर ही ज्यादा उभर के आते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे तो ब्लैक और ग्रे में ज्यादा फर्क नहीं दिखता, बट जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो आपको अलग से फर्क पता बिल्कुल अलग से लगने लग जाएगा। जैसे कि आप ये फोटो के अंदर देख रहे होगे, मैंने तीनों दिखाए हुए हैं, इसके अंदर ये ग्रे वाला है, ये ब्लैक वाला और ये व्हाइट वाला, आप ये देख रहे होगे कि इसके अंदर ये फर्क होता है। तो जैसे कि इसका रखने का जो वो है स्पेसिफिक कारण वो थोड़ा ठंड का होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ठंड में ही रखें, इसी के नीचे रखें, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, इसको एक ऐसा वातावरण जरूर दे, इसको ऐसा कंडीशनर एक ऐसी दे कि जिसके अंदर ये इसको सांस लेने में या फिर इसको ऐसा डायरेक्ट धूप ना लगे, इसके अंदर छाव रहनी चाहिए, हल्का ठंडापन रहना चाहिए, टेम्परेचर 25 से नीचे का रहना चाहिए। वैसे तो सभी रैबिट का 25 से नीचे का ही टेम्परेचर सुटेबल होता है, बट इसके लिए मेजर होता है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये साल में 2 बार ही ब्रीडिंग करते हैं, वो भी जब इसका मन होता है उसी के हिसाब से करेंगे। अगर आप इसका ढंग से टाइम टेबल नोट कर पाते तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी बार कर रहे हैं। और जो आप ये देख रहे हैं ये है ग्रे जाइंट, ग्रे जाइंट ग्रे कलर का होता है और इसके अंदर आपको दो ही उसमें मिलता है, या तो ये पूरा ग्रे रहेगा या इसके अंदर हल्की व्हाइट रंग की शेड रहेगी, इसके अलावा इसकी कोई और पहचान नहीं होती है। ये थोड़ा कम पॉपुलर है लोगों के बीच में, बट ये थोड़ा मुश्किल से मिलने वाला भी होता है, क्योंकि ये हर जगह मिलता नहीं है आपको, आप अगर इसको ढूंढने भी जाएंगे तो कोई स्पेसिफिक जगह ही होगी जहां पर आपको ये वाला ग्रे जाइंट मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके का होता है, तो लोग इसको थोड़ा कम पसंद करते हैं, बट ये औरों के दाम मुकाबले में थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है और थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, जो इसके जीन्स है वो थोड़ा एक्टिवनेस वाले होते हैं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और ब्रीड के बारे में बताऊँ तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।
धन्यवाद, आज के लिए यही था। और अगर किसी और को किसी प्रकार की कोई और टॉपिक की आवश्यकता हो तो बताइए, हम सभी टॉपिक के ऊपर आपका मत जानना जरूर चाहते हैं। तो धन्यवाद।